आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 24.1 चैप्टर सर्कल। तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 17 बता चुका हूँ और इंट्रोडक्शन पार्ट भी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नए हैं आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फिर एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि शो डट द पॉइंट एक्स वाई गिवन बाई, और पॉइंट है सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ क्या है पॉइंट। सपोज मैं पॉइंट मान लीजिए कोई पी ले लिया, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो इस पॉइंट से गिवन बाई एक्स और वाई जो दिया हुआ है, एक्स ये है वाई ये है, लाई ऑन ए सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ टी सच डैट, ये जो टी जो ले रहा है ना यहाँ पे 280, टी कहाँ से कहाँ के बीच में रहना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और ए जो है कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। तो शो क्या करना है, यही शो करना है कि पॉइंट पी जो होगा ये सर्कल पे ही लाई होगा और यही मुझे प्रूफ करना है। तो क्या करें, यदि इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहता और ये पॉइंट पी दिया हुआ है तो उस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये पॉइंट पी है जो सर्कल पे लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है इक्वेशन सर्कल का। तो जब सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो इसके हेल्प से, इस पॉइंट पी के हेल्प से ये मैं इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। क्या करूँगा मैं, ऐसे भी अगर जनरली अगर कोई एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहे हो और उसका रेडियस आर है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होते हैं। मैं इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा भाई, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ सकता है ना, एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है तो दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो राइट साइड में जो भी मिलेगा वो रेडियस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँगा, चलिए लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड एडिंग, स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एल एच एस को एक साथ स्क्वायर करके ऐड कर दिया और आर एच एस को एक साथ स्क्वायर करके ऐड करेंगे का होल स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को मैं ब्रेक करूँगा, स्क्वायरिंग होगा ना इस पर, तो 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम तो सेम रहेंगे तो 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर टी का पावर 4 माइनस में 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मैं बाहर ही रखने दूं, चलिए रहने दें, ए स्क्वायर टी का पावर 4, इसको इससे माइनस किया तो प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर सब में है, ऊपर में कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस टी का पावर 4, टी का पावर 4 को मैं लिखूँगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बन रहा है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर
ये बन जाएंगे वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और कैंसिल। तो ये सारा इधर से एल एच एस लेके चलूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गए। मैं लिखूँगा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो शो करना था तो उसके हेल्प से ये आ गया, तो मैं बोलूँगा हेंस पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कल। अब आपको इक्वेशन मिल गया ना सर्कल का इस पॉइंट के हेल्प से। अब आप इस पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट करें, एक तो यही चीज़ तो आएगा, इधर इधर सॉल्व करूँगा तो कितना आया ए स्क्वायर के इक्वल आया है ना। इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो क्या आया ए स्क्वायर, मैं इसी के इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिया ना, सेटिस्फाई कर गए। चलिए तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस पॉइंट पी लाई ऑन सर्कल, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 19 में देखिए क्या कह रहा है कि सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है सॉरी, इज रोल अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस इक्वेशन से मैं सर्कल तो निकाल लूँ ना कि किस टाइप का सर्कल है, तभी तो मैं उसको रोल करूँगा ना कि भाई सेंटर क्या होगा उस सर्कल का, रेडियस क्या होगा। बिना फाइंड आउट किए कैसे मैं कौन सा सर्कल ड्रॉ कर लूँ, जब आपका रेडियस मालूम ही नहीं है तो कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था सेंटर निकालने के लिए अगर इस फॉर्म में रहता है तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई टू। इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में कि जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं ना वो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझ लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्व करने में। एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन टू वन। वाई का कोफिशियंट माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस प्लस टू अपॉन टू वन, सेंटर आ गया वन। रेडियस निकालने का क्या था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी सॉरी माइनस सी। इसको सॉल्व करूं तो जी स्क्वायर वन आया, ये जी है ये एफ है, तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन माइनस सी, सी कितना है वन है यहाँ पे तो माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। तो आर स्क्वायर तो वन का अंडर रूट वन, तो रेडियस भी हो गए वन, सेंटर मिल गए। तो जो आप सर्कल है अब आप ही बताइए ना, जिसका सेंटर वन वन हो रेडियस वन हो इस टाइप का सर्कल है, स्टार्टिंग में वो एक्स एक्सिस पे थे ठीक है। इसको अब रोल कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ एक चक्कर लगाऊंगा, इस रोल अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो यही है, इस डायरेक्शन में रोल करेंगे। वन कंप्लीट रोल, एक कंप्लीट रोल हो जाने पे ये सर्कल यहाँ पे आएगा, ये कंप्लीट रोल हो गया है। जैसे जैसे रोल करूँगा ये वाला शिफ्ट डिस्टेंस बढ़ेंगे, वाई तो फिक्स रहेगा ना, ये तो फिक्स ही रहेंगे ना हमेशा, रेडियस थोड़ी और कम जाएगा। हाँ ये एक्स का डिस्टेंस देखिए अभी यहाँ पे वन था, यहाँ से यहाँ आने में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा यहाँ से यहाँ आने में है ना। इसको अगर कट कर देंगे तो एक वायर जैसा बनेगा ना ये लेंथ, वो लेंथ क्या होगा टू पाई। एक सर्कल का क्या होता है टोटल टू पाई होते हैं ना, तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो टू पाई होगा ही प्लस वन, तो वन प्लस टू पाई एक्स के लिए, वाई के लिए तो वो फिक्स है वन, बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया है, अब आप इजी वे में निकाल सकते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ये भी फॉर्म बताया था निकालने का,
एच क्या आ गया, वन प्लस टू पाई, तो एक्स माइनस वन प्लस टू पाई का होल स्क्वायर प्लस के क्या है वन, तो वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, रेडियस क्या है वन, तो वन का स्क्वायर वन, यही आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप तो आप खुद से कर लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20, वन डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है उसका एक डायमीटर है, एंड सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ए बी सी डी, और एक सर्कल है जो एक रेक्टेंगल को भी अंदर सब्सक्राइब के, मतलब एक ड्रॉ करूँ सर्कल, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसके अंदर ही है, नेमिंग दे दिया ए बी सी डी, और एक डायमीटर भी है, तो डायमीटर ले लूँ, वन डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज फोर वाई इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, और एक डायमीटर भी है, तो सपोज मैं मान लिया ये डायमीटर हो गए, इस डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, आगे एक्सटेंड होगा नहीं, डायमीटर ही बोल रहा है ना, ऐसे इसलिए किया कि ताकि ये आपको इक्वेशन ये लिख दूँ, फोर वाई इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, यहाँ तक क्लियर। इफ द कोऑर्डिनेट ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए है माइनस थ्री फोर, बी है फाइव एंड फोर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इतना ही गिवेन है। गिवेन क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें से ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक डायमीटर है जो सेंटर तो से पास होता ही है, डायमीटर तो मालूम ही है, वो तो बोलने की जरूरत है नहीं, और उस डायमीटर का इक्वेशन भी दिया हुआ है। इतने के हेल्प से मुझे इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं फिर से रिपीट करूं, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये बेसिक चीज़ मत भूलें आप, मुझे सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए, यही दो चाहिए ना, ये दोनों मिल जाएंगे तो इक्वेशन मिल जाएंगे। चलिए तो ये सेंटर और रेडियस निकाल लूँ कैसे, बड़ी वाली क्वेश्चन बात है ना। मैं जान रहा हूँ ये सेंटर है, ये एक तरह का कोड है, कोड बोल सकते हैं ना, तो सेंटर से कोड पे अगर लाइन ड्रॉप करो प्रॉपर निकलता है, दो पार्ट में बाइसेक करते हैं, मान लीजिए सपोज इसको सेंटर को पी मान लेता हूँ, इसको क्यू, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ निकल सकते हैं। देखिए अब ये क्यों निकाल रहा हूँ, आगे स्टेप में समझ में आएगा, ठीक है ना, क्यू पॉइंट निकल सकता है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला है ना, क्लास टेंथ में पढ़े हैं ना सारा, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाने से क्या फ़ायदा, पॉइंट मिल जाएगा आपको तो उससे क्या मिल सकता है, सोचें, क्यू का पॉइंट तो निकल सकता है, तो निकाल लेते हैं ना, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो जो मिलता है वो निकालते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक है जो एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे, तो q इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू बाई मिड पॉइंट, फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो q पॉइंट क्या आ जाएंगे, टू बाई टू वन, फोर प्लस फोर एट, एट बाई टू फोर, क्यू पॉइंट आ गया वन एंड फोर, ठीक है, यहाँ तक तो मिल गया। अब क्या करूँ, एक मिनट थोड़ा सा सोचिए, पी क्यू एक लाइन है, परपेंडिकुलर है इस पे, समझ में आ रही है ना बात को, इसको क्या करें ना आप, ऐसा अगर ले लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई, तो ये जब परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पी क्यू है और ये वाई एक्सिस, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल से फिर क्या मतलब है, पैरेलल से तो मतलब है ना मुझे क्या, तो यहाँ पे समझिए बात को, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस,
सपोज एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ इसके पैरेलल, और ये इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 0, क्योंकि इस पर क्या होगा वाई 0, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ ना, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अगर यही इस तरह का रहता और ये 1 0 1 रहता तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 1। ये तो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ है। ये ऑरिजिन अगर मान ले तो ये डिस्टेंस कितना है x, 1 है ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। सो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी क्यू इज x इक्वल टू 1। एक मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो एक लाइन ऐसा जा रहा है जिसका इक्वेशन है 4y इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू, इसका इक्वेशन दिया x इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों तो आखिर एक लाइन ही है ना, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया हूँ, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दो, क्या दिक्कत है, ये सारा का सारा तो x इक्वल टू 1 ही होगा। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑन सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी गेट दिस पॉइंट और नोट, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं आप लोग ना, तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट ही क्या है, ये सेंटर मिल जाएंगे ना, देखें सेंटर मिल जाएगा, तो फिर इसका क्या नीड पड़ा जो क्यू का निकाला 1 4, तो भाई रेडियस निकल जाएंगे, रेडियस नहीं निकलेंगे, हाँ ये भी बात है। अच्छा ये क्यू निकाला मैं तो एक्स कितना आया था 1, तो इसी 1 के हेल्प से ही तो मैं इसका इक्वेशन निकाला x इक्वल टू 1, तो इसका नीड पता चल गया ना क्या इंपॉर्टेंस है। ये मैं लिखूँगा ऑन सॉल्विंग 4y इक्वल टू x प्लस 7 एंड x इक्वल टू 1 बी गेट पॉइंट पी, पॉइंट पी मिल जाएंगे जो कि क्या हो जाएगा डैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो सॉल्व करते हैं तो 4y इक्वल टू x प्लस 7 और x किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा इसको इक्वेशन, चलिए इसको 1 लिख दिया और x इक्वल टू 1 ये 2 लिख दिया, सॉल्व करूँगा तो y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x का 1 पुट गया तो 8 हो गया, 4 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो x 1 आया और y क्या आ गया 2, तो पॉइंट यही तो सेंटर हो गया। सो p क्या मिल गया 1 और 2, यही क्या है सेंटर है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 1 और 2, ये जो मैं डॉटेड लाइन से जो मैच करने जा रहा हूँ ना, ये क्या हो जाएंगे, ये रेडियस रहेंगे, तो ये रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, दो पॉइंट मालूम है तो वही करने जा रहा हूँ मैं, बाई डिस्टेंस, ठीक है, ये सब रफ में करवाया था आपको समझाने के लिए है ना, तो इसका तो कोई यूज है नहीं, ये रफ में है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला रेडियस आर इक्वल टू, इसको एक्स टू मान लीजिए तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट या फिर आर स्क्वायर ही ले लें, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया ये 20 आ गया आर स्क्वायर। अब क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो निकालना था, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या इस पे वैल्यू पुट करें इस पे भी निकल जाएंगे आपका, या डायरेक्ट जो मैं किया था x² + y² - 2hx - 2ky + h² + k² - r² = 0,
ये आता कहाँ से है, इसी को सॉल्व करने पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच, यही तो एच है और ये के है, यहाँ पे जो लिया था एच और के यही है, तो एच वन, तो वन इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स, के इज टू तो टू टू या फोर माइनस फोर वाई, एच इज वन और के इज टू तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर टू फोर, तो वन प्लस फोर, रेडियस कितना आया है आर स्क्वायर 20 है ना, ये 20, तो आर स्क्वायर की जगह 20 पुट कर दिया इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर बाई फाइव में से माइनस 20 तो माइनस 15 इक्वल टू जीरो, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया क्वेश्चन नंबर 20। तो नोट कर लें इसे क्वेश्चन नंबर 20, तो अच्छे से देखिएगा कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लाइन दिस टचेज द सर्कल, जैसे जैसे बोल रहा हूँ मैं वैसे फिगर बनाते जा रहा हूँ, एक सर्कल लिया और ये लाइन है जो किसी सर्कल को टच कर रहा है, तो सपोज मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इसको टच कर रहा है, इसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ तक कंप्लीट। नाउ एट द पॉइंट 2, 5, वो भी पॉइंट भी दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे जहाँ पे टच करेगा उस पॉइंट है 2 और 5, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज मैं मान लिया P, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर तो होंगे ना यहाँ मिडिल में, लाई ऑन द लाइन दिस, ये एक लाइन और भी दिया हुआ है, वो सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, तो ये जो लाइन ड्रॉ करूँगा मे बी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी तरह से एक तो बना लूँ ना। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो आप कहेंगे कि सर ऐसा ही क्यों ड्रॉ किए, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। अरे भाई हाँ हो सकता है, लेकिन ये तो क्लास तो है नहीं कि आपके अकॉर्डिंग आप जो बोलेंगे वही लेके चलूँगा, ये तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सपोज चलिए कि कोई बच्चा ऐसे ही बोला कि सर ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ऐसे ड्रॉ कर दिया मैं एक लाइन, इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इतना ही गिवेन है, इतने के हेल्प से मुझे इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, क्या करूं। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट बताते चलता हूं क्या करना क्या नहीं। इसका सेंटर सपोज मान लीजिए पी लिया है, तो यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, इस लाइन पे ये जो पॉइंट होगा जो भी कुछ होगा, अगर इसके पहले में कुछ भी रहता था तो हमेशा एच और के लेता था, लेकिन जब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो कोई एक पॉइंट मिलेंगे लेंगे एक्स का वैल्यू, तो वाई ऑटोमेटिक उसी के फॉर्म में मिल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा बात को, चलिए देखिए क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है, ये अगर गिवन नहीं रहता तो मैं एच और के दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकता था, दो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मैं एक्स एच मान लूँ तो वाई क्या हो जाएंगे, नाइन उधर जाएगा तो नाइन एच माइनस एच, दोनों एक्स और वाई जो यहाँ पे माना था, चलिए एक्स एच और के में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो एक्स और वाई लेके चलें, एक्स और वाई सेंटर पे होंगे ना, तो एक्स और वाई दोनों किसके फॉर्म में आया, एच के फॉर्म में आया। अब वो वाला भूल जाइए कि यहाँ पे जो सेंटर लेते थे एच और के, वो अभी थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन दिया हुआ है उसके कारण मैं एच और के नहीं ले रहा हूँ, दो वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा जो भी लेके चलूँगा एच के। तो यहाँ तो सिंपल है कि एक्स का वैल्यू अगर एच मानता हूँ तो वाई भी उसी के फॉर्म में आएगा, तो मैं एच क्या कुछ और भी ले सकते हैं, टी मान लीजिए, एच से कन्फ्यूजन होगा तो फिर वाई क्या हो जाएगा, नाइन माइनस टी, या तो स्मॉल ए ले तो नाइन माइनस ए, तो कोई भी एक वेरिएबल लेके चलूँ, या तो एच लेके चले या टी लेके जाए ए, तो एक्स वाई जो आया तो यहाँ पे मैं मान लूँगा अब क्या लेके चलूँ, ए वाला लेके चलूँ, तो ए नाइन माइनस ए सेंटर मिल गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज़ लेट
यहाँ जो सेंटर माना था ना क्यू एक्स वाई ऐसा माना एंड एक्स इक्वल टू ए देन अगर एक्स ए लिया है तो वाई क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल 9 माइनस ए इससे आपको सेंटर मिल जाएंगे ए 9 माइनस ए सेंटर निकल गया तो सेंटर निकलने से क्या होगा कुछ होगा क्या ये टेंजेंट है एक तरह का सर्कल से सेंटर से एक टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएंगे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यही क्या हो जाएगा रेडियस कहलाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं ना फाइंड आउट करने के लिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज क्या माना उसको आर वो रेडियस ही तो होंगे इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट यही फॉर्मूला होता है तो ये इक्वेशन यही वाला रह जाते हैं तो मैं वही लिख दूंगा 2x माइनस वाई प्लस वन अपॉन ए और बी ए तो यही रहेंगे बी ये रहेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्यों बी क्या है y का कोफिशियंट तो y का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे माइनस वन का अंडर रूट इक्वल टू आर इसको सॉल्व करते हैं और x और y क्या लेते हैं एक्स और वाई यही लेता हूँ सेंटर वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट तो आर इक्वल टू एक्स की जगह क्या है ये एक्स और ये वाई है ए है टू ए वाई क्या है नाइन माइनस ए प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर माइनस वन का स्क्वायर वन ये आ जाएगा इसको और आगे सॉल्व करूँ तो टू ए माइनस नाइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस ए प्लस वन अपॉन रूट फाइव आर तो आर इक्वल टू टू ए प्लस ए थ्री ए माइनस नाइन प्लस वन माइनस एट अपॉन रूट फाइव ये आर का वैल्यू आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से आर का वैल्यू निकल गया और सेंटर भी मालूम हो गया तो मैं एक बार नोट करके यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटर जो है ए है और नाइन माइनस ए है और रेडियस जो आया थ्री ए माइनस एट अपॉन रूट फाइव अभी तक राहत वाली बात यह है कि सेंटर भी है जो ए के फॉर्म में है और रेडियस भी ए के फॉर्म में है चलिए इतना तो कर दिया तो ये जब दोनों मिल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो अब निकाल सकते हैं ना इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हम एच और के फॉर्म में रहते थे लेकिन एच और के तो मिल गया ना या इसको एक्स और वाई माने लेकिन अब यहाँ पे एक्स नहीं लिख सकते थे क्योंकि एक्स ऑलरेडी था पहले तो मुझे अब एच और के फॉर्म में लेना होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस के इज नाइन माइनस ए तो नाइन माइनस ए का होल स्क्वायर रेडियस इज ये तो स्क्वायरिंग करूँगा यदि स्क्वायरिंग कर दीजिए तो थ्री ए माइनस एट का होल स्क्वायर अपॉन रूट फाइव में तो फाइव रूट फाइव का स्क्वायर फाइव ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गया इस सर्कल का ठीक है ना तो जब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का है तब ये पॉइंट इसी सर्कल पे तो लाइक कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल तो ये x और ये y x y वैल्यू पुट कर देता हूँ x कितना है तो मैं लिखूँगा एक लाइन पॉइंट P लाई ऑन सर्कल सो इट मस्ट सेटिस्फाइड इसको इक्वेशन वन ले लें तो इक्वेशन वन चलिए तो इसको आप सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेस है नहीं, ऊपर में मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस नाइन माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए माइनस एट का होल स्क्वायर अपॉन फाइव। यही थे, ये सब मैं लिख लिया। और ये पॉइंट क्या था, 25 था, ये वो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे। सो इसके बाद एक्स का वैल्यू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई इज 5, 5 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, 3 इसको ब्रेक करूँ तो 3a² 9a² 8 का स्क्वायर 64, 8 3 जा 24, 2ab तो 24 माइनस 48a अपॉन 5, इसको ब्रेक करूँ तो 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, 5 में से 9 गया माइनस 4 तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a इक्वल टू 9a² प्लस 64 माइनस 48a अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a² 2a² 2a² इंटू 5 10a², तो ये और ये हो गया, ठीक है। माइनस 4a माइनस 8a माइनस 12a माइनस 12a इंटू 5 माइनस 60a 16 और 4 20 25 जा 100। ये सब इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो एक स्टेप नीचे में लेके चलूंगा, उसके बाद ट्रांसफ़र करूंगा। 10a² इधर जाएगा तो माइनस 9a² सब्ट्रैक करूंगा तो a² माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48, तो माइनस 60 प्लस 48a सॉल्व करेंगे तो माइनस 12a। समझ में आ रही है ना बात को, 100 64 इधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस 36। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया तो a² माइनस 6a माइनस 6a प्लस 36। अब ये कहाँ से ब्रेक हुआ ये तो भाई आपको पूछना नहीं चाहिए, है ना। a कॉमन लूँ तो a माइनस 6, माइनस 6 कॉमन लिया तो a माइनस 6। बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ, मिडिल टर्म क्लास 7 से स्टार्ट है ना प्राइम अलजेब्रा में, तो मिडिल टर्म ब्रेक किया हूँ, माइनस 6 माइनस 6 से माइनस 12 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 36a². अभी देखिए a माइनस 6 a माइनस 6 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया 6। तो जब a का वैल्यू 6 आ गया तो यहाँ पे अब जो निकाले थे सेंटर और रेडियस निकल के आ जाएंगे, तो सेंटर क्या था a आया 6, 9 माइनस a 6 तो 9 माइनस 6 3 सेंटर हो गया, रेडियस 6 तो 6 3 जा 18, 18 माइनस 8 10 अपॉन रूट 5। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे तो ये r है तो r² क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 रूट 5 का स्क्वायर 5 ये कितना आ जाएगा 20। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब आ जाएंगे ऑफ सर्कल, ये फॉर्म में लेकर चलूँगा x माइनस h y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो x माइनस h इज 6 तो 6 का होल स्क्वायर, वाई के इज 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 20। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू।